योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है, ये बात है, पिछला दिन गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। तुम इन तीन लड़कों के केस में कहां उलझ गए? हो सकता है इन बच्चों का केस महज इत्तेफाक ही हो। इत्तेफाक नहीं है सर। ये कड़ियां भले ही अलग अलग नजर आ रही हो लेकिन अगर गौर से देखे तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडास्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर। इत्तेफाक नहीं है। हेलो सर। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है तुम्हारी दीवारों के भी कान हो गए हैं। मुझे वागले और उसकी मीटिंग का पता चल चुका है। वो तीन लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे, उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काटकर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी, मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दें। टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। चौड़ना मत संजू।
क्या वक्त हो? किसने बताया तुम्हें? देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी, याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले, इसके भी कपड़े उतार डालो। के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले तीन बार, होश में आने के बाद तीन बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। साथियों, तुम लोगों को शायद यह मालूम नहीं, यह प्राइवेट और इमरजेंसी मीटिंग मैंने क्यों बुलवाई? इसलिए कि सूर्यदेव सिंह जेल से छूट चुका है और अब वो खतरा बनकर हम सबके सर पर मंडरा रहा है। मगर एक साल से पहले वो छूट कैसे गया? उसका जेल जाना एक नाटक था कादर। उसने जेलर और हमारे चारों खूंखार कातिलों को गिरफ्तार करके किसी ऐसी जगह छुपा दिया है कि जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को तो क्या, मुझे भी मालूम नहीं। जीवनलाल, मेरे चार पांच आदमियों को गिरफ्तार करके अगर वो मुझ तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है तो उसका यह ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं चलेगा जीवनलाल। अब 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं है। जानते हो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़े से बड़े चैलेंज के साथ टकराने का प्रलयनाथ को शौक है। तुम तुम्हारी मिनिस्ट्री संभालो, सूर्यदेव सिंह को आज से मैं संभालूंगा।
ड्राइवर, गाड़ी को फौरन किसी गटर के ढक्कन पर खड़ा करो, इसमें बम लगाया जा चुका है। यस सर। बहादुर, काला बटन खींचो। चीयर्स। पियो, आज जी भर कर पी लो। स्वामी जी, ये सुखद समाचार टीवी पर भी तो सुन ले। हाँ, ऑन करो। आज सदन के दोनों पक्षों ने इस हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इस हत्याकांड के षड्यंत्र के बारे में हमारी विशेष संवाददाता मोना अलवी की एक रिपोर्ट। आज दोपहर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने विशेष दस्ते के साथ भोजन के लिए रवाना हुए। अचानक उन्हें अपनी कार में सिग्नल सुनाई दिया, जो कार में बॉम्ब रखे जाने का संकेत देता है। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गाड़ी एक गटर के ढक्कन पर रुकवाई और अपने विशेष दस्ते के ब्लैक कमांडो से ये काला बटन खींचने को कहा। इससे गाड़ी के नीचे का हिस्सा साइड में खिसक गया और धमाके से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने आदमियों के साथ ही भूमिगत हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी और बहादुरी से अपनी और अपने आदमियों की जान बचाई। तो आइए आज हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से आपका साक्षात्कार कराएं। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस साजिश में किसका हाथ है? हाथ होता तो कभी का काट चुके होते हम। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन देशद्रोहियों ने आप पर हमला क्यों किया? जाहिर है कि हमें जीवन दान देने के लिए नहीं, हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो, ज्यादा आगे पार कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो हेलो, तुम फोन कहाँ से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बहका ना कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले!